समाज कल्याण विभाग में हुए करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए समाज कल्याण विभाग सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को जागरूक कर रहा है। इसके लिए विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विभाग के आईटी एक्सपर्ट ने छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए विद्यालयों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। सहायक समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और संस्थानों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें प्रतिभाग जनपद हरिद्वार के चाहे प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल या जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं, उन सारे कॉलेज के जो डिपार्टमेंट ऑफ द हेड और जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स, वो प्रतिभाग कर रहे हैं। इसका जो मेनली जो उद्देश्य है, वित्तीय वर्ष 19-20 में अभी अप्लाई हमारा जो पोर्टल है वो खुल गया है, उसमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे भुगतान होना है उसके बारे में आईटी सेल से जो तकनीकी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है। छात्र या स्कूल वाले जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कुछ उनको दिक्कतें आ जाती हैं, तो उन दिक्कतें ताकि उनको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कतें ना हो, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्षों रखी जाती है। अच्छा, पिछले दिनों एक घोटाला बनाने या जागरूक करने के लिए भी उसके सहायक सिद्ध होगी? हाँ नहीं, बिल्कुल, ये तो नेशनल पोर्टल है, इसमें जो भी है जितना भी जो भी काम हो ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, सारा जो भी भुगतान या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो काम है वो सारा ऑनलाइन है। हरिद्वार के ऋषिकुल विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सहित जिले भर से सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों और संस्थानों के प्रतिनिधि पहुँचे। न्यूज डेस्क।